माय डियर स्टूडेंट्स, आज का विषय है प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। वी से दैट इंटीजर पॉलिनोमियल दिस, जहां पर ये सारे यदि इंटीजर हो तो इस पॉलिनोमियल का नाम होगा इंटीजर पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को प्रिमिटिव जब कहेंगे, जब ये जो है ग्रेटर देन जीरो हो और इन सब का जीसीडी क्या हो, वन हो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। अब हम थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। Let x I be an algebraic number of degree n and f x is equal to 0 be a primitive equation, क्योंकि इसको 0 ले लिया तो equation होगी of degree n, जिसको कौन satisfy करता है x I। g x be any primitive equation satisfied by this, तो g x जो है अपने, क्योंकि ये देखो ये तो थी मैंने बताया degree n वाली, इसकी degree n है और इसकी degree भी कितनी है n। जी एक्स एक ऐसी पॉलिनोमियल है जो और जो एक्जाई कोई और पॉलिनोमियल जिसको एक्जाई सेटिस्फाई करता है, तो जी एक्स इज इक्वल टू एच एक्स इंटू एफ एक्स होगी फॉर सम प्रिमिटिव पॉलिनोमियल एच एक्स फॉर ऑल एक्स। अब हम चलते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ एक्जाई एंड एन, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन पॉलिनोमियल एफ एक्स ऑफ डिग्री एन सच दैट दिस इज इक्वल टू जीरो। वी मे क्लियरली सपोज एफ एक्स इज प्रिमिटिव, हमने मान लिया कि एफ एक्स प्रिमिटिव है। अगेन डिग्री ऑफ जी एक्स कैन नॉट बी लेस देन एन, क्योंकि डिग्री ऑफ जी एक्स एन लेस देन एन नहीं हो सकती, क्योंकि यदि एस देन एन हो गया तो जी एक्स कैन नॉट बी रिटन एज एच एक्स इन टू एफ एक्स। हेंस वी कैन डिवाइड एफ एक्स जी एक्स बाई एफ एक्स बाई मीन्स द डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ एलिमेंट्री अलजेब्रा, और वहां पर हमें क्या मिलेगा, एक कैपिटल एच एक्स मिलेगा और रिमाइंडर क्या मिलेगा के एक्स। कैसे, देखो ये जी एक्स ये एफ एक्स, यहां मिला कैपिटल एच एक्स और यहां मिला के एक्स। ये जो के एक्स होगा, देखो एक बात और बता दूं, इसके कोफिशियंट भी इंटीजर हैं, इसके कोफिशियंट भी इंटीजर हैं। यहां पर हमें ये दिया हुआ, ये भी प्रिमिटिव है, ये भी प्रिमिटिव है। व्हाट अबाउट इट्स कोफिशियंट? जब मान लिया आप एक ऐसी चीज ले लेते हो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, ये भी प्रिमिटिव है, यहां जब डिवाइड करोगे तो हियर दिस विल बी कम 3/2। तो ये जो एच एक्स होगा इसके कोफिशिएंट इंटीजर नहीं, क्या बनेंगे, रैशनल बनेंगे। अब इसकी बात करता हूं, इसकी डिग्री से कम होती है, तो एच एक्स एंड के एक्स आर पॉलिनोमियल विद रैशनल कोएफिशिएंट, इसके पॉलिनोम कोएफिशिएंट भी रैशनल होंगे इसके लिए। एंड के एक्स की डिग्री क्या होगी, लेस देन एन होगी। नाउ वी पुट एक्स इज इक्वल टू एक्जाई, यदि हम इसमें एक्स इज इक्वल टू एक्जाई पुट करते हैं तो ये, क्योंकि मैंने बताया इसका भी एक रूट है, इसका भी रूट है, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो इसका मतलब हमारे पास आ गया के एक्जाई इज इक्वल टू जीरो। बट दिस इज इम्पॉसिबल बिकॉज सिंस एक्जाई ऑफ डिग्री, एक्जाई की डिग्री कितनी एन, तो इसका मतलब ये जीरो कब आ सकता है, जब इसके सारे के सारे के एक्स के अंदर सभी कोपिशेंट क्या हो, जीरो। जब कोपिशेंट जीरो हो गए तो जीरो ही होगी, तो जी एक्स अल्टीमेटली ये बन गया। यहां पर ये प्रिमिटिव है, ये प्रिमिटिव है, इसके कोपिशेंट इंटीजर है, इसके कोपिशेंट इंटीजर है, ना तो मैंने इसको प्रिमिटिव कहा है ना इसके कोपिशेंट को इंटीजर कहा, इट्स कोपिशेंट आर फिलहाल एट प्रेजेंट रैशनल। तो इसके कोफिशिएंट रैशनल है, उसकी रैशनलिटी को खत्म करने के लिए हम इसको एप्रोप्रिएट सी से, पॉजिटिव सी से मल्टीप्लाई करते हैं। एप्रोप्रिएट पॉजिटिव सी से मल्टीप्लाई करने पर ये भी इंटीजर पॉलिनोमियल बन जाती है, जिसका नाम हमें रखते हैं स्मॉल एच एक्स। तो यहां पर यह भी अब प्रिमिटिव, यह भी प्रिमिटिव और यह इंटीजर पॉलिनोमियल, और सी हमने क्या माना है, पॉजिटिव। लेट डी बी द हाइएस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ कोफिशियंट ऑफ एच, एच एक्स के कोफिशियंट का हाइएस्ट कॉमन डिवाइजर डी है, तो डी इसका मतलब किसको डिवाइड करेगा, सी जी एक्स को डिवाइड करेगा। जी तो प्रिमिटिव है, हर कोफिशियंट को तो डिवाइड नहीं कर सकता, इसका मतलब डी किसको डिवाइड करेगा, सी को डिवाइड करेगा। इफ डी इज ग्रेटर देन वन तो हम इस कोफिशियंट को रिमूव कर सकते हैं इधर से भी और इधर से भी। अल्टीमेटली हमें जो इधर एच एक्स क्या बन जाएगा, रिमूव करने के बाद एच एक्स हमारा प्रिमिटिव बन जाएगा। और यदि डी वन ही आता है तो अंडरस्टूड है कि एच एक्स क्या है, प्रिमिटिव। इट मींस ये जो सी मल्टीप्लाई किया उसका कारण था, हम इसको क्या करा रहे हैं,
सी मल्टीप्लाई करने का कारण था कि हम एच एक्स को रैशनल कोफिशियंट से इंटीजर कोफिशियंट पर ला रहे हैं। और अब ये कॉमन निकाल के हम जो बात कर रहे हैं, कॉमन निकाल के रिमूव करने की बात कर रहे हैं, ये हमें क्या करके बताता है, ये हमें ये करके बताता है कि अल्टीमेटली एच एक्स भी प्रिमिटिव बन गया है। तो जी एक्स भी प्रिमिटिव था, एफ एक्स भी प्रिमिटिव है, नाउ एच एक्स इज प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, ये तीनों प्रिमिटिव। अब बात इस सी की आती है। चलो हम कहते हैं कि सी को एक प्राइम डिवाइड करता है सी, तो ये पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा, पी से, फॉर ऑल एक्स। इसका मतलब ये भी पी से डिवाइड होगा फॉर ऑल एक्स। इट मीन्स आइदर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो, या तो ये कॉन्ग्रुएंट टू जीरो होगा या ये कॉन्ग्रुएंट टू जीरो होगा, बट बोथ आर प्रिमिटिव फॉर ऑल एक्स, बोथ आर प्रिमिटिव। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि एफ एक्स भी जीरो हो या एफ एक्स कॉन्ग्रुएंट टू जीरो हो या एच एक्स जीरो, दोनों किसी हर एक्स के लिए कोई एक जीरो बने, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट मीन सी किसी प्राइम से डिवाइड नहीं हो सकता, तो सी इज वन एंड दिस प्रूव्स द थ्योरम। क्या थ्योरम प्रूव करी है हमने, ये प्रूव करी है लेट एक्स जाई बी एन अलजेब्रिक नंबर ऑफ डिग्री एन, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो बी एन इक्वेशन, प्रिमिटिव इक्वेशन ऑफ डिग्री एन, सेटिस्फाई एक्स बाई एक्स जाई। यदि कोई और पॉलिनोमियल है जी एक्स, इक्वेशन है जी एक्स जिसको एक्स जाई सेटिस्फाई करता है, तो जी एक्स इज इक्वल टू एच एक्स एंड एफ एक्स। पहले से जी एक्स और एफ एक्स तो दोनों प्रिमिटिव थे, जो एच एक्स मिलेगा वो भी हमें प्रिमिटिव मिलेगा। अब अपनी आज की मेन थ्योरम पर आते हैं। एन एलजेब्रिक नंबर एक्स जाई ऑफ डिग्री एन सेटिस्फाई ए यूनिक प्रिमिटिव इक्वेशन ऑफ डिग्री एन। तो हम यहां पर एफ एक्स मान के चल रहे हैं, लिखा नहीं है यहां पर, तो वो एक्स जाई सेटिस्फाई करता ऑफ डिग्री एन। इफ एक्स जाई इज एलजेब्रिक इंटीजर तो एक्स एन का कोफिशियंट क्या होगा, वन होगा, यूनिटी होगा। इफ आप कहते हो कि एफ एक्स जीरो इज ए प्रिमिटिव पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन सेटिस्फाई बाई एक्स जाई, तो एच एक्स को हमें कितना मानना पड़ेगा, वन मानना पड़ेगा। एच एक्स को वन मानेंगे तो जी एक्स अपने आप ही क्या आ जाएगा, एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा और ये यूनिक पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट, इफ एक्स जाई इज एलजेब्रिक इंटीजर देन एक्स जाई सेटिस्फाइड एन इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म, जहां पर ये सारे मैंने क्या लिए हैं, रैशनल इंटीजर्स, और जे की वैल्यू मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लिए है एन। फ्रॉम अबव थ्योरम जी एक्स अपने आप को एफ एक्स गुणा एच एक्स लिखेगा, जो एफ एक्स है उसकी डिग्री तो है एन, तो एच एक्स की डिग्री बनेगी जी जे माइनस एन। तो ये तो हमने एफ एक्स माना, ये एच एक्स माना, हम इनको मल्टीप्लाई करके एक्स की पावर एन के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके एक्स की पावर एन के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो वो मिलेगा ए नॉट एच नॉट इज इक्वल टू वन। आपने मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव का पहला मतलब था ये जो चीज है ना, दिस थिंग के साथ कंडीशन है कि दिस इज पॉजिटिव, ये प्रिमिटिव, दिस के साथ ये भी कंडीशन है कि दिस इज पॉजिटिव, इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव है। ए नॉट वन को क्या करता है, डिवाइड, तो ओनली पॉसिबिलिटी दैट ए नॉट इज वन, एंड दिस प्रूफ कंप्लीट्स अवर प्रूफ। अब कुछ सिंपल सिंपल डेफिनेशंस हैं। ए कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा इज कॉल्ड एल्जेब्रिक नंबर इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉट ए वन ए एन इंटीजर्स सच दैट ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड अल्फा सेटिस्फाइड ए पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म दिस, जो ये पॉलिनोमियल फॉर्म को करता है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक नंबर। यदि हम ये कह दें कि ए एन वन है तो हम इसको एल्जेब्रिक इंटीजर कहते हैं। ए मोनिक पॉलिनोमियल एफ पी एक्स इन क्यू रिंग ऑफ पॉलिनोमियल रिंग ऑफ रैशनल्स, ए मोनिक पॉलिनोमियल पी एक्स इन द पॉलिनोमियल रिंग ऑफ रैशनल इज कॉल्ड मिनिमल पॉलिनोमियल अल्फा इफ पी एक्स इज द पॉलिनोमियल ऑफ मिनिमम डिग्री, यानी कि मिनिमम डिग्री की पॉलिनोमियल है जो अल्फा क्या करती है, इसको सेटिस्फाई। इस चीज को हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट फील्ड जो कंटेन करते हैं किसको, क्यू एंड अल्फा को, ये हमने एक्सटेंशन ऑफ फील्ड में पढ़ा है। इसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन अल्फा विद कोफिशिएंट इन फ्रॉम क्यू और दीज टू आर सेम, दिस थिंग इज आर वी ऑलरेडी स्टडी इन द फील्ड एक्सटेंशन। ये बात भी हमने पढ़ी है कि ये एक वेक्टर स्पेस होता है जिसकी डिग्री किसके इक्वल होगी, इसकी मिनिमम पॉलिनोमियल जो होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब एक आज का लास्ट रिजल्ट, गिवन एन एल्जेब्रिक नंबर अल्फा, कोई भी अल्जेब्रिक नंबर अल्फा दे रखा है तो हम कहते हैं कि हमें एक इंटीजर टी मिलेगा, नॉन जीरो इंटीजर टी मिलेगा सच दैट टी अल्फा इज एन अल्जेब्रिक इंटीजर, यानी अल्जेब्रिक नंबर को अल्जेब्रिक इंटीजर में बदलने के लिए आपको किसी इंटीजर टी से नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा जरूर मिलेगा। सिंस अल्फा इज अल्जेब्रिक नंबर तो एक पॉलिनोमियल मिलेगी ये वाली जिसके ये कोफिशिएंट क्या है, इंटीजर्स, और ये कैन नॉट इक्वल टू जीरो, जिसको अल्फा क्या करेगा, सेटिस्फाई, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब जैसे कि ये नॉट इक्वल टू जीरो है
इसकी पावर हमने n माइनस वन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट दिस थिंग। तो हम देखो नीचे मैंने लिखा है इक्वेशन fx, यदि इस इक्वेशन में अल्फा ए रेज़ टू पावर n रखूंगा तो ये बन जाएगा। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को कौन सेटिस्फाई करता है, ये सेटिस्फाई करता है। और इसका फर्स्ट इसका कोएफिशिएंट कितना है, वन। इट मींस जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो तो एल्जेब्रिक इंटीजर कहलाएगा। तो ये जो ये एल्जेब्रिक इंटीजर कहलाएगा। अब इसका मतलब ये ऐसा नंबर हो गया जो इसको सेटिस्फाई करता है, हेंस दिस इज एल्जेब्रिक इंटीजर। तो हुआ क्या, जो अल्फा था उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करके, ए की पावर एन से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब टी को यदि हम ए की पावर एन लेते हैं तो वी गेट अल्फा टी एज एन एल्जेब्रिक इंटीजर। तो टॉपिक नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, कल हम टॉपिक नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, द जर्नल क्वाड्रेटिक फीट। थैंक यू वेरी मच।